हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय बैग। मैं सोच रही थी कब से मैं वीडियो बनाऊँ इसी के ऊपर, सो यस आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरे बैग में क्या है। जनरली ये चीज़ें मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ वाइल गोइंग आउट, वाइल ट्रैवलिंग, नॉट ट्रैवलिंग बिकॉज ट्रैवलिंग में बहुत सारी चीज़ें लगती है, बट यूजुअली जनरली हम बैग में क्या क्या कैरी करते हैं, कौन सी चीज़ें लगती है, लाइक जो मैं कैरी करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो यस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। ऑल्सो साथ ही साथ आई वॉन्ट टू शेयर दैट आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, सो दैट्स वाई यू माइट फील सम डिफरेंस इन मी और माई वॉइस। सो येस आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट। नाउ लेट्स सी हाउ माई बैग लुक्स लाइक। सो दिस इज माई बैग और नॉट वेरी ह्यूज, जैसे कि आपको कैमरा में दिख रही है कि बहुत बड़ी है, बट उतनी बड़ी नहीं है बिकॉज आजकल ऐसे बैगी स्टाइल पर्स या फिर बैग्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। सो दिस इज हाउ द बैग looks like. I love this bag, very classic black color. So yes, let's open this bag. So after opening you can see a lot and lot of stuff inside. So yes, let's quickly start what's in my bag. First of all, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इज द पीक ऑफ द समर टाइम, सो द मेन थिंग यू शुड हैव इन योर बैग इज द सनस्क्रीन। आई डोंट थिंक सो एनी वन शुड गो आउट ऑफ देयर हाउस विदाउट यूजिंग सनस्क्रीन। इवन इफ यू आर एट होम आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए आफ्टर हैविंग बाथ, सो दैट घर पर भी हमारे सनरेज आते हैं। दिस इज द लोटस हर्बल सनस्क्रीन विच आई एम कैरिंग इन माई बैग, सो दिस इज हाउ इट looks. So mainly I want to talk about this brand or this sunscreen is its matte finish. So like best thing for me because I have extremely oily skin or combination skin sometimes you can say. So जो चिपचिपापन होता है क्रीम में वो इसमें नहीं है, आपको ऑयली या फिर ग्रीजी फील नहीं होगा, ऑयल कंट्रोल होगा एंड ऑब्वियसली आपको सन रेज से सनलाइट से प्रोटेक्ट करेगा, आपको टैन नहीं होने देगा। सो ऑल इन वन ये बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट है। सो लेट मी क्विकली शो यू हाउ टू यूज इट एंड व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स। Okay, so let me quickly share with you how to use the Lotus Herbals Matte Gel Sunscreen. So this is how it looks. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैट सनस्क्रीन। तो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन और द कॉम्बिनेशन स्किन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस बिकॉज इट हैज़ द मैट टेक्सचर, सो इट वोंट फील ग्रीसी ऑयली ऑन योर फेस, स्पेशली व्हेन यू गेट स्वेटी आउटसाइड व्हेन यू गेट एक्सपोज टू द सनलाइट। सो नाउ आई एम टेकिंग द प्रोडक्ट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। प्रोडक्ट को मैं अपने नेक पे एंड इफ यू आई एम वेयरिंग फुल स्लीव्स बट इफ़ यू आर वेयरिंग स्लीवलेस और दी शॉर्ट स्लीव देन आपको हैंड पे भी इसे अप्लाई करना है, नेक पे अप्लाई करना है, डोंट मिस एनी एरिया विच इज एक्सपोजिंग। सो या सो दिस इज़ एन इनोवेटिव सनस्क्रीन दैट इज कम्प्लीटली नॉन ऑयली एंड प्रोवाइड्स अ फ्रेश एंड क्लीन फिनिश टू द फेस, नेक एंड हैंड्स। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ सन इंड्यूस्ड डैमेज, स्किन टैन, सनबर्न एंड प्रीमैच्योर एजिंग। Apply it 15 to 20 minutes before leaving your house so that it can exactly give you the results. Also for the better results you can use it after every 2 hours. It's 5 minutes ke liye set hone diya hai and isi ke upar main ab makeup apply karungi and I'm ready to go out without any hesitation and tension of getting tanned. ओके सो दिस वॉज दी फर्स्ट एवर थिंग विच आई एम कैरिंग राइट नाउ इन माई बैग। के छोटे भी साइजेस आते हैं सो आप वो भी कैरी कर सकते हो बिकॉज मेरे बैग में काफ़ी ज़्यादा जगह है, सो मैं ये कैरी कर रही हूँ। ओके सो द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज द वाटर बॉटल बिकॉज अगेन वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू गेट हाइड्रेटेड, टू बी हाइड्रेटेड। सो येस घर पर इतना नहीं मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ बट यूजुअली बाहर जाने के बाद पानी बहुत ज्यादा लगता है, सो आई कैरी माई ओन वॉटर बॉटल। ओके द नेक्स्ट थिंग इज
दी वॉलेट ऑब्वियसली, बिकॉज यू हैव टू कैरी योर कार्ड्स, योर मनी और वॉट एवर यू हैव. सो येस, दिस इज़ हाउ माई वॉलेट लुक्स लाइक. वेरी क्यूट, वेरी स्मॉल एंड बहुत छोटा सा है, सो दैट इट कैन फिट इन एनी थिंग. इवन मेरे जीन्स के पॉकेट में भी ये फिट होता है. सो वेरी कन्वीनियंट टू कैरी. सो येस, एंड इन साइड इट आई हैव नॉट कार्ड्स, बिकॉज कार्ड्स आजकल मैं बाहर नहीं लेके जाती हूँ. आई हैव लाइक ऑनलाइन पेमेंट थिंग, अदरवाइज इसमें कैश ज़्यादा होता है वाइल ट्रैवलिंग. सो येस, दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट wallet. So yes, essential thing, and again always in my bag is sunglasses. Actually daily wear में नहीं लगती है, like only in summers लगती है. So अभी के time पे I am carrying this, so that's why I'm sharing it. एंड इसका बॉक्स काफ़ी बड़ा एंड थोड़ा सा हैवी है, सो समटाइम्स मैं बॉक्सेस चेंज करती रहती हूँ. सो येस, दिस इज़ हाउ माई सन ग्लासेस लुक्स लाइक. एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड स्पेशली अप्रोप्रिएट फॉर समर्स, बिकॉज पूरी तरह से जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे आइज को यहाँ से पूरे तरह से. एंड मेनली दिस कलर, बिकॉज ये स्टाइल के लिए नहीं है बट एक्चुअल यूज़ है टू गेट प्रोटेक्टेड आउटसाइड फ्रॉम डस्ट, डर्ट एंड सनलाइट ऑलवेज. सो येस, आई ऑलवेज कैरी दिस. देन नेक्स्ट थिंग इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज माई फोन, बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट फोन आई वोंट गो एनीवेयर. लाइक एनीवेयर मेरा फोन इज माई लव एंड माई लाइफ. फोन लुक्स लाइक, एंड विदाउट फोन लाइक आई डोंट थिंक सो कोई भी फोन के बिना बाहर जाता होगा. लाइक सीरियसली, ये एक्चुअली फ़ोन पॉकेट में एंड बैग में दोनों चीज़ों में आता है, बट आजकल ये नया है तो मैं इसे बैग में कैरी करती हूँ, सो दैट मैं थोड़ी सी सेफ एंड टेंशन फ्री रहूं. एंड नेक्स्ट थिंग इज, फ़ोन लिया है तो मैं जो है वो चार्जर उसका कैरी करती हूँ. आई टू कीप माई चार्जर विथ मी, सो दैट मेरे फ़ोन को मेरा ही चार्जर यूज़ हो, इसीलिए मैं चार्जर भी जो है वो कैरी करती हूँ. देन नेक्स्ट थिंग इन माई बैग इज दी परफ्यूम और बॉडी मिस्ट. दिस इज द मिस्ट. मिस्ट आर यूजली वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस, सो मुझे वो पसंद है दैन परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. सो मुझे ना यहाँ पे जो थ्रोट में इन्फेक्शन नहीं बट मुझे होता है कुछ तो उसका इफ़ेक्ट, सो मैं बॉडी मिस्ट ही कैरी करती हूँ. एंड ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है ये, सो बहुत सारे है. यही साइज़ में मैं लेती हूँ, मिनी साइज़ में, सो दैट ट्रैवलिंग में इट इज़ ईजी. एंड येस, एंड ये तो होना ही चाहिए जब आप बाहर जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, सो यू शुड स्मेल गुड एट दैट टाइम. सो दैट इज़ दी माई एवरी डे थिंग. जो मैं कॉलेज जाती थी तब से मेरे पास है, तब से मैं कैरी करती हूँ मेरे बैग में परफ्यूम या फिर मिस्ट यू कैन से. देन नेक्स्ट टू थिंग्स आई कैरी इन माई बैग इज़ द लिपस्टिक एंड लिप बाम. सो लिप बाम मैं पहले बहुत कम यूज़ करती थी, लाइक लिटरली आई मतलब मैं जो वैसलिन एंड ऑल थिंग्स रहते थे वो यूज़ करती थी, बट अब मैं प्रॉपर लिप बाम यूज़ करती हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करती, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आई कैन, मुझे इसमें फिंगर एंड ऑल वो चीज़ें नहीं पसंद. लाइक फिंगर से अप्लाई करो, बिकॉज आप बाहर जा रहे हो तो आप हैंड वॉश नहीं होता है, हाइजीनिक मुझे नहीं लगता है. सो सीधा अप्लाई करो एंड यू आर गुड टू गो. एंड अभी मुझे आदत पड़ गई है लिप बाम की, एंड लिपस्टिक की भी आदत पड़ गई है. विदाउट लिपस्टिक मैं बाहर नहीं जाती, तो मैं एक्स्ट्रा एक दो लिपस्टिक कैरी करती हूँ. पे आप खाना खाते हो, टचअप करना पड़ता है, सो दैट्स व्हाई आई कैरी इट. एंड आई थिंक सभी लोग लिपस्टिक एंड ऑल तो कैरी करते ही होंगे. एंड अब जब ग्रूमिंग की बात आ गई है, तो मैंने एक कॉम्पैक्ट जो है वो मैं कैरी करती हूँ, एंड वन स्मॉल कोम्ब. ये मुझे पता नहीं जेंट्स लेडीज़ है, बट मुझे ये साइज़ बहुत ही अप्रोप्रिएट लगा, सो आई ऑलवेज कैरी इट.
इन माई बैग, जब मैं कॉलेज टाइम से ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी अभी तक चेंज नहीं हुई है। अगेन मैं थोड़े बहुत जो है वो टिश्यूज़ कैरी करती हूँ, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला ऑयल क्लॉट करने के लिए मुझे, इवन यू कैन सी आई हैव बिट ऑयली स्किन राइट नाउ एज वेल। आई डोंट नो मेरा आवाज़ कैसे आ रहा है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत अजीब सा आ रहा है। ओके एनीवेज, देन नेक्स्ट आजकल की इसेंशियल चीज़ है वो है मास्क, बिकॉज मास्क आजकल तो वैसे रूल्स हैव बीन चेंज्ड, बट मास्क तो कैरी करना ही पड़ता है। पता नहीं कब आपको ज़रूरत पड़े, तो एक मास्क तो हमेशा मेरे पास जो है वो होता है इन माई बैग। ये आजकल जो है वो एड ऑन हो रही है चीज़ें ड्यू टू करोना। देन नेक्स्ट आई हैव टू हेयर पिंस, हेयर क्लचर्स यू कैन से। देन नेक्स्ट एक छोटा सा डिब्बा है मेरे पास, एंड जिसमें आई कैरी सम ऑरेंज फ्रूट टैबलेट्स यू कैन से। आपके पास कुछ खाने को नहीं हो और यू आर थर्स्टी, यू आर हंग्री, देन दिस इज, और ये बहुत ही अच्छा है, विटामिन सी है। थर्ड लास्ट थिंग आई हैव इज अ सैनिटाइजर। अगेन बहुत सारी चीज़ें मिनी साइज की है बिकॉज ऑब्वियसली आपके बैग में है, सो दिस इज़ दिस सैनिटाइजर आई हैव, आई कैरी इट। ज़्यादा यूज़ नहीं करती मैं सैनिटाइजर बिकॉज चिपचिपा सा लगता है। क्वालिटी वाइज डिपेंड करता है, आई यूज़ गुड क्वालिटी सैनिटाइजर्स, बट आई फील कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता है आफ्टर सम टाइम, तो इसीलिए, बट आई डू कैरी इट। एंड बहुत ज़्यादा अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आई यूज़ द सैनिटाइजर। सेकेंड लास्ट थिंग इज एयरपॉड्स विच आई हैव, जो जिसमें का एक अभी गायब है। तो एयरपॉड्स ये मुझे हमेशा नहीं लगते, बट आई कैरी इट। एंड द लास्ट थिंग इज द होम कीज। सो वाओ, इस पर अब भी मैंने ये जो छोटा सा मिनी पांडा का किचन लगाया है, रिसेंटली लाया है, मुझे और ऐसा अच्छा सा चाहिए था, बट जो मिला फॉर नाउ, बिकॉज किचन के बिना आई डोंट यूज़ कीज़। आई डोंट नो वाई, मुझे किचन्स बहुत अच्छे लगते हैं, सो इसीलिए ये कीज़ जो है वो मैं कैरी करती हूँ। एंड येस, विद दिस आई थिंक माई बैग इज एम्प्टी, एंड आई शोड एवरीथिंग टू यू विच आई हैव इन माई बैग। सो येस, इसमें मैंने एक दो चीज़ें नहीं ऐड की, जो है स्कार्फ, जो यूजुअली बाहर जाते टाइम मैं कैरी करती हूँ, बहुत ज़्यादा धूप होती है तभी मैं कैरी करती हूँ, एंड सैनिटरी पैड्स जो भी मेरे बैग में होता है, बट जो मैंने इस बैग में अभी फ़िलहाल नहीं रखा था। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आप लोगों ने इन्जॉय किया हो कि मेरे पास क्या है, मेरे बैग में क्या क्या है ये देख के। सो येस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपको जो सनस्क्रीन मैंने दिखाई है वो अगर आपको लेनी हो, उसके कुछ भी डिटेल्स जानने हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।